हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बिजली का जो ट्रांसफार्मर आता है उसके अंदर क्या आता है, कौन सा वायर आता है और किस तरह से दिखता है अंदर से। देखो, ये ट्रांसफार्मर का उपला हिस्सा है जो बाहर निकाला है और इसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप बस पूरा वीडियो देखते रहिए। देखो, ये ट्रांसफार्मर का उपला भाग है, उसे निकाला जा रहा है। उसके अंदर कॉपर की लीड आती है जो एक सेकेंडरी वायरिंग आता है और एक प्राइमरी वायरिंग आता है। इससे क्या होता है, जो 66 केवी का पावर है उसे 11 बनाया जाता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप किया जाता है। जो 66,000 वोल्टेज आ रहे हैं उनमें से 11 के भी यानी कि 11,000 वोल्टेज निकाले जाते हैं। देखो, एक क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है उपला हिस्सा। उपलेट है, उसके साथ सब वायरिंग कनेक्ट आता है उसका। ये पूरा अंदर का जो सिस्टम है वो पूरे कॉपर के ही सिस्टम होती है। और अंदर जो लीडें आती है वो एक एक बोतल में 17-17 लीडें निकल कर आती है। इस वीडियो आप पूरा देखते रहिए तो आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगी कि उसके अंदर क्या होता है। देखो, इसे निकालना बहुत ही कठिन होता है, उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे क्रेन की मदद से ही निकाला जाता है। देखो, इस प्रकार से इसकी लीड आती है। देखो, एक बोतल में 70 लीड है। देखो इस तरह, देखो ये सब इसकी लीड है जो कॉपर की आती है। इस तरह का इसका फिटिंग होता है और ये टर्मिनल बॉक्स है जहाँ ये सब लीडें लगती है। और ये उसका ऑयल टैंक है जिसमें ऑयल रहता है। देखो, ये पूरा ट्रांसफार्मर।